चोट के कारण आईपीएल 13 से बाहर होने वाले दिल्ली कैपिटल्स के अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी चोट इतनी ज़्यादा गंभीर होगी। 37 वर्षीय मिश्रा को शनिवार को शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मैच में नीतीश राणा का एक कैच पकड़ते समय उंगली में चोट लग गई थी और वह अब आईपीएल 13 से बाकी मैचों के लिए बाहर हो गए हैं। मिश्रा ने आईएनएस से कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चोट इतनी ज़्यादा गंभीर होगी। मैंने सोचा था कि यह एक या दो मैचों के लिए होगा, लेकिन अब मुझे इसे स्वीकार करना होगा। अनुभवी लेग स्पिनर मिश्रा ने आईपीएल में अब तक 160 विकेट लिए हैं और वहीं लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने कहा, अहम बात यह है कि मैं खेलते हुए उस समय चोटिल हुआ जब मैं कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ और इससे थोड़ा संतुष्ट हूँ। यह फिटनेस से संबंधित चोट नहीं है, जिसका मतलब है कि मैं सही कर रहा हूँ। आईपीएल में 3 बार हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले मिश्रा ने आईपीएल के मौजूदा 13वें सीज़न में 3 मैचों में 3 विकेट चटकाए हैं। चोट के कारण कोलकाता के खिलाफ वह केवल 2 ही ओवर गेंदबाजी कर सके थे। मिश्रा का मानना है कि स्पिन विभाग में दिल्ली कैपिटल्स के पास अभी भी अनुभव है और वह टीम को इस सीज़न में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। मिश्रा के सीज़न से बाहर होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास अब रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और संदीप लमिछाने स्पिनर के रूप में मौजूद हैं। मिश्रा उन कुछ भारतीय खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके नाम पदार्पण टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।